हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने समोसा बनाने जा रही हूँ, जो कि बारिश के सीज़न में खाने में बड़ा मज़ा आता है चटनी के साथ। तो मैं समोसे के लिए मैंने जो लिया है, ये हाफ पार्ट मैंने आटा लिया है और हाफ पार्ट मैंने मैदा लिया है। अब इसमें मैंने 1 स्पून ऑयल डालना है, 1 से 1.5 स्पून तक आप डाल लीजिए। और हमें इसमें 1 चम्मच नमक डालना है और ये अजवाइन है, अजवाइन लिया मैंने, उसको थोड़ा डालना है। फिर अजवाइन डालने के बाद हमें इसको आटे की तरह इसको गूंथ लेना है अच्छे से। हमें पहले ऐसे इस तरह से इसको मिक्स करना है, जो कि हमारे आटे में पूरा मोवन अच्छे से लग जाए, उससे हमारे समोसे कुरकुरे बनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटे की तरह गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है हमने रेडी कर लिया है, और आप देख सकते हैं ना ही ज्यादा हार्ड है और ना ही ज्यादा पतला है। तो इसको हम, अब हमारा ये आटा रेडी हो चुका है, इसको अब हम ढक के रख देंगे। हमें इसको 15 टू 20 मिनट्स तक ढक के रखना है, तब तक हम उसके बाद हम मसाले की तैयारी करेंगे समोसे। तो फ्रेंड्स, हमारा आटा रेडी हो चुका है और ये अब हम समोसे का जो मसाला होता है, स्टफिंग होती है, वो बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बॉयल्ड आलू को ऐसे मैश कर लिया है हाथ से, और ये मटर लिया है थोड़ा सा पीस, और ये अनियन, ये ग्रीन चिली, हाफ मैंने लेमन लिया है, लेमन की जगह आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, और ये हरा धनिया, नमक, और ये मैंने नॉर्मल मसाले लिए हैं। तो अब मैं इसमें पैन में 3 चम्मच के करीब तेल डाल देती हूँ। ये डालने के बाद हमें इसमें सबसे पहले थोड़ा जीरा, थोड़ा सा राई, और फिर ये अनियन जो है कटा हुआ उसको डाल देना है। थोड़ा सा इसको हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है फ्राई करके। इसके बाद हम ये इसमें ग्रीन चिली डाल देते हैं। और ये जो हमने मटर ले रखी है इसको ऐड कर देते हैं, जो कि ये भी इसमें थोड़ा पक जाए। फ्रेंड्स, इसमें अब हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, सॉरी हींग पाउडर, और हमें इसमें नॉर्मल मसाले मतलब जैसे ये धनिया पाउडर डालना है 2 चम्मच, और रेड चिली पाउडर डालना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा चटपटा रखना है और तेज रखिए, और कम रखना है तो कम रखिए, और ये हल्दी थोड़ा सा। ये सब डालने के बाद हम इसको इस तरह से थोड़ा मिक्स कर देंगे मसाले को। ये मिक्स हो गया है मसाला, अब हम जो हमारे आलू हैं इनको इसमें डाल देंगे।
अब इस पर हमने हल्का सा मिर्ची पाउडर डाला है, मुझे कम लग रहा था, मैंने ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। और ये नींबू है हाफ मैंने लिया है, इसको मैं फिर नींबू का रस डाल देती हूँ। ये सब डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स इसमें हम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। और हाफ से थोड़ा सा कम हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। और ये जो हमने कोरिएंडर लीव्स हैं इसको कट करके इसमें डाल दिया है। ये ऐड करने के बाद इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा समोसे का स्टफिंग जो है वो रेडी हो गया है। फिर तो फ्रेंड्स हमारी इधर स्टफिंग जो आप देख लीजिए बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है और हम ये आटा भी हमारा एकदम रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हमें ये बेलन और सॉरी चकले पर हमें हल्का सा ऑयल लगाना है और इसको थोड़ा बेलना है। कि हमने इसको बेल लिया है, बेलने के बाद हमें इसको हाफ ऐसे कट कर देना है। कट करने के बाद हमें इधर से अपना ये स्टफिंग लेनी है, ये कट करने के बाद हमें इसमें ये हमने मैदा का थोड़ा सा मैदा और हल्का सा वाटर मिला करके गोल बनाया हुआ है, इसको हम साइड साइड में इधर लगा देंगे। और ये होने के बाद हम इसको इस तरह से लेंगे और ऐसे थोड़ा सा आटे का हम कोन बनाएंगे इस तरह से, और ये यहाँ से दबा देंगे। और अब हमें इसके अंदर ये जो फिलिंग है इसको फिल कर देना है। ये हमने फिलिंग को ऐसे कर दिया है और अब हमें क्या करना है, ये घोल जो है इसको इस साइड में हल्का हल्का लगाना है इसको बंद करने के लिए। तो ये देखिए ये हमारा समोसा जो है ये यहाँ से पैक हो चुका है और इस तरह से हमें समोसे अपने रेडी कर लेने हैं। आप समोसे की काफ़ी तरह की शेप्स होती हैं तो अलग अलग शेप्स भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो समोसा कहा जाता है वो इस शेप का होता है मेनली। तो इसको अब हम सारे समोसे इस तरह से रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स अभी हमने ये चार समोसे बना लिए हैं और इनको अब हम ऑयल में तलेंगे। तो हमारा ऑयल थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं गर्म हुआ या नहीं और इसको हमें मीडियम लो फ्लेम पे ही इसको तलना है जो कि अच्छे से कुरकुरे हमारे बने। तो हम इसमें थोड़ा सा आटा डाल के देख लेते हैं मैदा का, नहीं अभी ये थोड़ा सा नहीं हुआ है, अभी हम इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स ये ऑयल गरम हो चुका है और हम इसको इसमें डाल देंगे समोसे को और इसको हम सिम गैस पर ही इसको तल लेंगे।
पैन देखिए, हम लोग जो है इसको एकदम कम गैस पे इसको सेक रहे हैं। उससे क्या होगा, ये थोड़े से कुरकुरे बनेंगे समोसे। अगर हम तेज पे सेकेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे जो समोसे हैं ये रेडी हो चुके हैं तल के। इनको इस तरह से बाहर निकाल लीजिएगा। और ये हमारे गर्मा गर्म समोसे रेडी हैं। ये देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तले हुए हैं। तो इस तरह से हमें इनको तल लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे गर्मा गर्म घर में बने समोसे बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।